ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पहला हाउ कैन यू एक्सप्लेन हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कंपेयर टू TlCl3। क्लियर, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द हाइयर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कंपेयर टू TlCl3 एज इट इज। आपको आंसर लिखना है एज इट इज आपको यही आंसर लिखना है। क्या है आंसर? बोरोन एंड थैलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन दिस ग्रुप द एलिमेंट प्लस वन द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाते ही, जैसे आपको पता है ग्रुप 13 एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप 13 वाले, वो क्या होते हैं? बोरोन, ये बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऊपर से जाते ही नीचे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। BCl3 इज मोर स्टेबल देन TlCl3 बिकॉज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ B इज मोर स्टेबल देन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Tl। इन Tl द प्लस थ्री स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिवर्ट बैक टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट, वो कौन सी है? प्लस वन। रीजन क्या होता है इसके अंदर? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड, व्हाई डज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 बिहेव्स एज अ लुईस एसिड। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं BF3 की, ये ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। B कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? B तीन बॉन्ड बना रहा है। तीन बॉन्ड मतलब इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लेस देन 8 होते हैं। ऑक्टेट रूल को ये ऑबे नहीं कर रहा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या कहलाता है? लुईस एसिड। क्या कहलाता है? लुईस एसिड। इसके आउटर मोस्ट शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। एटॉमिक नंबर है इसका कितना? 5 होता है एटॉमिक नंबर इसका। और 2,3 की कॉन्फिगरेशन से ये होगा, आउटर मोस्ट में 3 है जो आपको दिख रहे हैं यहां पे, NH2 NP1, या फिर आप बात कर सकते हैं इसकी 2s2 2p1 2s2 2p1। क्लियर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन ये होगी 2s2 2p1। इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, जैसे मैंने बताया आपको। दस इट कैन फॉर्म ओनली 3 covalent bonds, जैसे आपने देखा। दिस मीन्स दैट देर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द बोरोन एंड इट्स ऑक्टेट रिमेन्स इनकम्प्लीट व्हेन 1 atom ऑफ बोरोन कंबाइंस विद 3 fluorine atom, इट्स ऑक्टेट रिमेन्स इनकम्प्लीट, हैंस बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिमेन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट एंड एक्ट एज लुईस एसिड। इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। अगर लुईस बेस कौन, अच्छा लुईस एसिड्स तो आपके कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? लुईस बेस कौन होते हैं? जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, या फिर जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड बनाने के बाद मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? लुईस बेस। तो ये लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 है, इसलिए क्या है? लुईस एसिड। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स,
BCl3 SiCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड देख लेते, जैसे मैंने आपको बता दिया इन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंप्लीट, द सेंट्रल मेटल एटम हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट, देयरफॉर इट नीड्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट क्लियर। तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। फिर पूछा गया है कि भाई BCl3 और SiCl4 आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले चेक कर लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं BCl, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये लेस देन 8 है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BCl3 इज एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, बी हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इज इंक्रीज टू 6, हाउएवर इट इज स्टिल शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शॉर्ट है इसके पास 2, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए मैक्सिमम 8, तो ये ऑक्टेट रूल ऑब्वे करेगा, लेकिन है इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास शॉर्टेज है, इसलिए बोला गया है इसको स्टिल शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या है ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं कर रहा, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा यहां देखते हैं SiCl4 SI कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 Cl के साथ, मतलब इसके पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होके बिल्कुल स्टेबल है, ऑक्टेट रूल को ऑब्वे कर रहा है, यही यहां पे लिखा है, क्लियर इजी। ऐसे आपको स्टेटमेंट बना के लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट हॉट क्वेश्चंस, हॉट टॉपिक्स के अंदर गिना जाता है, तो ये होता क्या है, जैसे कि देखिए आप बात करिए 13 ग्रुप की या 14 ग्रुप एलिमेंट्स की, इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले एलिमेंट जैसे इसकी बात करते हैं, ये थैलियम इसमें शो करता है, इसमें इसमें शो कौन करता है, नीचे वाले, ये दोनों के दोनों इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 3 3 3, ये तीनों के तीन, ये BAL गैलियम और इंडियम, ये चारों के चारों प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिल्कुल इजीली, लेकिन जैसे ही यहां पे आते हैं हम नीचे, वो प्लस 1 शो करता है, क्यों, क्योंकि इस जगह पे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो F ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज आ जाती है, जहां पे आपके एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं जो F ब्लॉक एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए ये प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। आपने पढ़ा होगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको लिखना है, एज वन मूव्स डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डिक्रीज, नीचे वाले एलिमेंट्स की, ऊपर से नीचे जाएंगे तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स की इसके अंदर, वो कौन से होते हैं, 6s के इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके भी पार्टिसिपेट नहीं करते, और 6 में कितने होते हैं, 2, 6 में कितने होते हैं, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिक्रीज, दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां तक इनर्ट, इन केस ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ये वाली होती है, लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता, नीचे वाले, इसके अंदर किसकी बात हो रही है, थैलियम के लिए, ये थैलियम की बात हो रही है, थैलियम की, एंड देयर ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज प्लस 3, हाउएवर ऑन मूविंग ऊपर से जब नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस 1, बिकम्स मोर स्टेबल, दिस हैपन बिकॉज ऑफ
पुअर शील्डिंग इफेक्ट. अच्छा पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता है रिपल्शन. इनर शेल और आउटर शेल के बीच में जो रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, इनर शेल और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट. क्या बोलते हैं? शील्डिंग. शील्डिंग इफेक्ट क्या? शील्डिंग इफेक्ट. तो ऊपर से नीचे तक, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है? बहुत ही बेकार हो जाती है. मतलब कहने का है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. तो 6s के इलेक्ट्रॉन, चाहे वो थैलियम हो या फिर लेड हो, थैलियम और लेड के 6s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर. इसीलिए इसमें +3 से हो जाती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे +4 से क्या हो जाती है? नीचे आते आते +2, दो यूनिट तक गिर जाती है. +4 से +2 के अंदर हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉन्स बाय द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन. एज अ रिजल्ट ऑफ द पुअर शील्डिंग द NS2 मतलब यहां पे 6s2 की बात हो रही है, are held tightly by the nucleus, so they can't participate in the chemical bonding. Clear? तो आपको ये याद रखना है inert pair effect के अंदर कि TL जो है ये +1 में show करता है ज्यादा as compared to +3, ये ज्यादा show होता है. रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. दूसरा, अगर लेड की बात की जाए तो लेड है Pb, ये +2 में ज्यादा स्टेबल पाया जाता है एज कंपेयर टू +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्लियर? तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. जहां भी TL का और Pb का क्वेश्चन आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है. क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये देखिए यहां पे आ गए हैं ये आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन. रैशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव केमिकल रिएक्शन, एंड गिव केमिकल रिएक्शन. पहला क्या है? लेड +2 पे है, पीबी यहां पे क्या है? पीबी +2 में पाया जा रहा है, पीबी +2 में पाया जा रहा है. और किसमें है? लेड क्लोराइड है, मतलब ये है PbCl2. PbCl2 रिएक्ट विद Cl2 गिव्स क्या दे रहा है? PbCl4. PbCl4 क्यों दे रहा है भाई? ये देता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हो, जो स्टेबल होगा, वो कौन पाया जाएगा? इससे ये बन रहा है क्या? PbCl4, लेकिन इसमें ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा कौन? PbCl2, क्योंकि Pb यहां पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Pb +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है किससे? Pb +4. यहां पे Pb पे है +4, यहां पे Pb पे +2, तो +2 इज मोर स्टेबल Pb में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. बढ़ते हैं देखिए यहां पे थोड़ा. लेड बिलोंग्स टू 14 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. द टू ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय दिस ग्रुप, ये और ये ज्यादा स्टेबल है लेड की. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दैट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन द +4 स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल. दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. हेंस PbCl4 इज मच लेस स्टेबल देन PbCl2. हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ PbCl2 takes place when chlorine gas is bubbled through the saturated solution of Pb. ये Pb है, PbCl2. This is PbCl2. ये है क्या? PbCl2. जैसे ही आप क्या करेंगे, PbCl2 के अंदर Cl2 डाल देंगे तो इसके बबल्स फॉर्म करने लगते हैं और ये रिएक्ट करके ये बनाता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में यील्ड उसकी फॉर्म होती है. रीजन ये, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा स्टेबल है. मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल. रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट. ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट है आपका सेकंड, लेड. यहां भी पीबी है +4, ठीक है, लेड क्लोराइड और PbCl4 है. इज हाईली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, टुवर्ड्स हीट. रीजन यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 14 और कौन सा +4, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स अनस्टेबल बिकॉज +4 पीबी जो है यहां पे +4 है, वो लेस स्टेबल है किससे? Pb2+. रीजन है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट. Pb 4 पे इज हाईली अनस्टेबल
एंड व्हेन हीटेड इज रिड्यूस्ड टू, ये कहां पे आ जाएगा, जैसे ही हम क्या करेंगे PbCl4 को हीट करते हैं तो ये PbCl2 पे कन्वर्ट हो जाता है और Cl2 गैस निकल जाती है, तो ये आपका बन गया। क्लियर? सेम ऐसे ही यहां पे है लेड, लेड इज क्या बोला गया है कि ये वाला जो चीज है PbI4, PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जाना ही नहीं जाता, रीजन यही है। क्यों? यहां लिख देते हैं Pb, Pb ये रहा, इसके सराउंडिंग में ये आई है, ये आई है, ये आई है और यहां पे एक आई है, और आई का साइज क्या होता है बड़ा, आई का साइज क्या होता है, आई का साइज होता है बड़ा, आई का साइज होता है बड़ा, आई का साइज क्या है बड़ा, आई का साइज क्या है बड़ा। तो ये जो पीबी है लेड है, ये आयोडीन को, चार आयोडीन को अपने सराउंडिंग में एकोमोडेट ही नहीं करता, पहला रीजन। तो Pb जो है वो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता क्योंकि वहां पे वो लेस स्टेबल पाया जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा रीजन ये है कि Pb अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में चार बड़े बड़े एलिमेंट्स को या आयोडीन को अकोमोडेट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन के पास एक आयोडीन पे तीन लोन पेयर होते हैं, ऐसे ही हर चारों आयोडीन पे होंगे तीन 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 लोन पेयर। सपोज मैं यहाँ पे आयोडीन हूं, यहाँ मैं पीबी हूं, यहाँ पे एक आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे और एक पीछे, इस पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर, पीछे वाले पे भी लोन पेयर है, तो ये जो है बगल वाले ये क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे, ये भी रिपल्शन फील करेंगे, तो स्टेबल कैसे होगा, होगा इनस्टेबल। इसीलिए पीबी आई फोर एग्जिस्ट नहीं करता या फिर जाना ही नहीं जाता। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है BCl bond has dipole. Explain BCl3 molecule का dipole moment होता है zero. भाई देखो BCl इसका dipole तो है क्योंकि ये है metal, ये है non-metal. Non-metal यहां पे electron खींचेगा, यहां पे आएगा positive, यहां पे आएगा negative, तो यहां पे है dipole. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, BCl3 की, BCl3 की, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा B, ये है मेरा Cl, ये है Cl, ये है Cl, और इन तीनों के बीच में ये जो एंगल होगा 120 120 120। क्लियर? देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, इसकी डायरेक्शन यहां होगी, इसकी डायरेक्शन यहां। सपोज मैं बोलूं कि अगर मैं फिजिक्स लगाऊं इसके अंदर, तो इसकी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट यहां निकलेगा, एक कंपोनेंट यहां। अगर ये 100% है, ध्यान से सुनिए, अगर ये 100% है तो इसका ये वाला जो होगा वो 50% होगा, ये कितना होगा 100% होगा, ध्यान से, ये कितना होगा 100% होगा, इसके इस वाले के मैंने दो कंपोनेंट निकाले 50%, और ये भी क्या होगा 50%। क्लियर? इस वाले के भी दो कंपोनेंट निकालता हूं, इधर लिखता हूं 50% और इधर लिख देता हूं क्या 50%। अब देखिए इन दोनों का ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड में, 50% 50% है, ये कट जाएगा। क्लियर? और यहां पे ये सेम डायरेक्शन में है दोनों, 50% 50% कितना हो गया 100% हो गया, और ये भी कितना है 100%, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये भी कट जाएगा, तो इसका डायपोल कहां होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से इसको लिखा गया है। देखिए यहां से आंसर है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एंड सी एल, द बी सी एल बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। However, the BCl3 molecule is non-polar. This is because of the BCl is trigonal planar. ये क्या है? Trigonal planar लिखा है. Trigonal planar. Trigonal planar in shape. It is symmetric molecule. Hence, the respective dipole moment. ये dipole moment लिखा हुआ है. Of BCl, BCl. वहां B लिखा है, यहां Cl लिखा हुआ है. Bond cancel each other. Thereby causing a zero dipole moment. इसलिए इसका dipole moment होता ही नहीं है. क्या नहीं होता है? इसका dipole moment होता ही नहीं है. फिर अब next question है आपका 7. How is excess content of CO2? How is excess content of CO2 responsible for the global warming? Important question है. Important डाल लीजिएगा इसको. Important है. देखिए लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसेंशियल गैस फॉर आवर सर्वाइवल. बिल्कुल सही है. हाउएवर एन इंक्रीज कंटेंट ऑफ CO2, अगर CO2 बढ़ जाए कहां पे, एटमॉस्फेयर में, पोजेस अ सीरियस थ्रेट. बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि आपके जो
पेड़ है वो हमें क्या देते हैं, O2 देते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो अगर हम क्या कर देंगे पेड़ों को, जैसे ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन तो पेड़ ही होते हैं, आप सबको पता ही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेयर पोजेस अ सीरियस थ्रेट एंड इंक्रीमेंट इन द कंबशन, इन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, किसी भी चीज को जलाएंगे तो CO2 निकलता है फॉसिल फ्यूल को, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन एंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, जितना पेड़ घटेंगे मतलब किसी को जलाएंगे, लकड़ी को जलाते हैं तो CO2 निकलता है, और पेड़ नहीं होंगे तो भी क्या होगा CO2 बढ़ता जाए क्योंकि O2 घटता जाएगा। क्लियर? Has led to greater level of carbon dioxide. तो नेचर में या फिर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग द हीट, जो सन से लाइट आती है ना, आपने लिखा होगा सन से लाइट आती है उसको CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, क्या कर लेता है ट्रैप, प्रोवाइड इस पे लिखा हुआ है प्रोवाइड द सन रे provided by the sun ray, higher the level of carbon dioxide, higher is the amount of heat trapped. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये atmosphere में गर्मी बढ़ने लगेगी और global warming का cause होगा। Basically क्या है कि अगर atmosphere में O2 कम हो जाए तो CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा तो जो सन से रे आएंगी उसको वो ट्रैप कर लेगा और वो गर्मी रखेगा एटमॉस्फेयर में, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग वही है। क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गिव रीजंस पहला है एल्यूमिनियम अलॉय आर यूज टू मेक एयरक्राफ्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज वेरी लाइट इन वेट, इट कैन ऑल्सो बी अलॉयड विद वेरियस मेटल, अलॉयड समझते हैं आप दो मेटल का मिक्सचर, दो मेटल को जब मिला देते हैं तो अलॉय फॉर्म करता है, जैसे आपका हो गया स्टील है, स्टील बेसिकली एक अलॉय है, जिंक और आयरन का मिक्सचर होता है, क्या होता है जिंक और आयरन का मिक्सचर, सच एज कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, सिलिकॉन, जिंक, इट इज वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी। जो लड़ाकू विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ये जो बॉडी होती है वो एल्युमिनियम की ही बनी होती है, रीजन आप समझ गए, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, लाइट वेट के अंदर होता है, ये अलॉय को फॉर्म कर सकते हैं, मैलेबल डक्टाइल होते हैं, इसीलिए इनको एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। फिर एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू फॉर्म थिन लेयर, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके थिन लेयर बनाता है, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। दिस लेयर प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन, However, when water is kept in an aluminium vessel for long period of time, some amount of aluminium oxide may dissolve in water. As aluminium ion are harmful, aluminium के जो ion होते हैं harmful होते हैं, water should not be stored in aluminium vessel या utensil रात भर, overnight मतलब रात भर, clear? वो उसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं हार्मफुल होते हैं इसीलिए, क्लियर? फिर ये है आपका लास्ट, इसके अंदर एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड टू मेक ट्रांसमिशन केबल्स, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर अमंग्स द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज एक्सपेंसिव मेटल एंड सिल्वर वायर आर वेरी एक्सपेंसिव, कॉपर इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इसके नीचे लिखा हुआ है जो एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, चांदी महंगा होता है, तांबा भी महंगा होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्लियर? और ये डक्टाइल भी होता है, एल्यूमिनियम इज यूज इन
रीजन क्या होता है इसके नीचे, इसका रीजन कि एल्यूमिनियम क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्लियर, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये आपके क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है पूरे पी ब्लॉक का। बोला जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 13 ग्रुप में देखिए, 13 ग्रुप में G13 ग्रुप 13, ये हो गया एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हम कहते हैं ऊपर से नीचे तक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यहां क्या क्या रखा है, इन दोनों के साइज का डाटा गिवन है, एल्यूमिनियम और गैलियम। हम बोलेंगे भाई इन दोनों में किसका साइज बड़ा, आप बोलोगे गैलियम का, नहीं गलत, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से। रीजन देखिए, यही क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये पिकोमीटर में दे रखा है आपका, एल्यूमिनियम का कितना होता है ये, और गैलियम का कितना होता है ये, दोनों के दोनों किसमें है, पीएम, पिकोमीटर में गिवन दे रखे हैं। देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें ध्यान से, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बना होता है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बना होता है। ये आपका 13 है, ये वाला BAL इस जगह पे आता है गैलियम, इस जगह पे जहां से आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते, इस जगह पे एल्यूमिनियम पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते, कहां पे होते हैं, गैलियम पे। मतलब कहने का है जैसे ही आप एल्यूमिनियम, बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाएंगे, बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाएंगे तो साइज बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे आए, 10 प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इस जगह पे 10 प्रोटोन होते हैं जो सीधा डायरेक्ट ऐड होते हैं कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आउटर मोस्ट शेल को सुकड़ा देगा, श्रिंक कर देगा। इसीलिए गैलियम का साइज जो होता है वो छोटा होता है किससे, एल्यूमिनियम से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल्दो गैलियम हैज वन शेल मोर देन एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही है, इट्स साइज इज लेसर देन एल्यूमिनियम, दिस इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर के अंदर 10 प्रोटोन ऐड हो गए हैं, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन्स, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी पुअर, मतलब रिपल्शन कम है, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब सेंटर के प्रोटोन में, सेंटर के न्यूक्लियस में प्रोटोन बढ़ गए हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गैलियम इज मच मोर देन इट इज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि सेंटर में 10 प्रोटोन बढ़ जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते, तो 10 प्रोटोन मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, उसको खींच के उसको सुकड़ा देगा, श्रिंक कर देगा, इसलिए गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो ये था आपका पी ब्लॉक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिडक्टेड पार्ट को मैंने नहीं कराया है, इंपॉर्टेंट यही है, इसको जरूर करके जाइएगा।